ਕੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਹਲਕੇ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ इस पार्टी का प्रचार करने वास्ते तो मर जाने के बराबर है। हुण मैं जनता ने इन्ने वादे किए, बच्चों रुलदे खुलदे बच्चों मैं गल ना लाया और उन्होंने वादे किए भी तेन मैं आह कर देंगा, तेरा रूम बना देंगा, तेरी फ्लश बना देंगा, तेरी गली बना देंगा, पर अज जनता का इन्ना प्रैशर है मेरे ते। थानू पुछया सीगा राणा सोढी ने कि भाई मैं बीजेपी चला, कोई गलबात हुई इस मामले? क्योंकि मैं जनता नूं फेस कर सकदा, क्योंकि मैं किसी ना ठगी नहीं की, मैं ठोरी नहीं की, मैं नशा नहीं वेचिया, मैं किसी ना गदारी नहीं की, मैं लोगों से जा सकदा, मैं अजे भी कांग्रेस पार्टी का वधिया प्रचार कर सकदा। अज साडे गुरु साहिब दे जिहड़े लोग ने वो भी अपने आप नूं ठगिया महसूस कर रहे हैं, तो जलालांवाल के लोग भी अपने आप नूं ठगिया महसूस कर रहे हैं। और अज असीं कांग्रेस हाईकमान नूं कहिंदे हां कि जेकर जे वो बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं तो उन्हों की जो जगह खाली हुई है वो सानू टिकट नौजवानों मिलनी चाहिए है, और असी सारे नौजवान बैठे हाँ, साढ़े विचों किसी ते भी एक ते भी हाथ कांग्रेस रखती है, असी सारे एकजुट हो के कांग्रेस का सारा वर्कर साढ़े नाल है, तो असी वो जी स्क्रोल पंजाब दे नाल जुड़े हो। तो मैं मनप्रीत तौलख, पंजाब दे विच चोणां दा माहौल पूरा पकिया होया, वख-वख इलाकियां तों वख-वख उम्मीदवार आ रहे ने MLA दे, ते सारे कह रहे ने कि सानू वोट मिलनी चाहिए है क्योंकि असी कम कीता। ते अज साडे नाल चार अजिहे उम्मीदवार जो कि कांग्रेस पार्टी दे विचों जो कहिंदे ने कि असी उम्मीदवार हाँ ते असी कम कीता हलकियां दे लई, सानू सीट मिलनी चाहिए है, पर वक्री गल ये है कि एक दूजे दे विरोधी नहीं है। उन्हां दा ये कहना है कि चारां दे विचों किसी नूं भी जे सीट मिलती है गुरु हरसाए हलके तो, क्योंकि गुरु हरसाए हलके दे राणा गुरमीत सिंह सोढी बीजेपी चले गए हैं तो कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी सीट खाली है, चारां दा कहना जे किसी नूं भी मिल गई असी एक दूजे का साथ देवांगे। तो बड़ी वक्री गल है, सब तो पहला गल करांगे संजीव मंड जी दे नाल, उह कहिंदे ने गोलू के तों ने, तो उन्हां दा कहना कि मैं भी जिहड़ा कांग्रेस पार्टी दे लई काम कीता तो मंड साहब बीजेपी दे विच चले गए राणा सोढी गुरु हरसाए दे विच हलके दे खाली जगह सीट, तुहानूं क्यों लगता कि तुहानूं क्यों जिहड़ी है टिकट मिलनी चाहिए है, तुसीं क्यों आपदे आप नूं उम्मीदवार मंनदे हो? पिछले 20 साल तो असीं राणा सोढी दी सपोर्ट कर रहे सी, 24 घंटे उन्हां दे नाल सी, तन मन नाल असीं उन्हां दी पूरी सपोर्ट कीती है। हुण उह पार्टी छड्ड के चले गए ने, असीं चाहुंदे आ वी साढ़े भरावां चों साढ़े जिन्ने भी भरा साढ़े नाल बैठे ने इन्हां चों किसे नूं एक नूं भी टिकट दित्ती जावे असीं रल मिल के इलैक्शन लड़ांगे। अच्छा, तुहानूं लगदा जे राणा सोढी बीजेपी ते गए ने तां होर बंदे उहदा नुकसान होऊगा कांग्रेस पार्टी नूं, जां कांग्रेस पार्टी उत्थे ही है राणा सोढी वख? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਕੰਢੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਦਾਪ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਔਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਖਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ
कि मैं उन्हां दी बड़ी रिस्पैक्ट करदा आपदे पिता जिन्नी उन्हां दी इज्जत करदा और मैं उन्हां दी अख दी शर्म भी रखदा और हुण मैं जनता ने इन्ने वादे किए बच्चों रुलदे खुलदे बच्चों मैं गल ना लाया और उन्होंने वादे किए भी तेन मैं आह कर देंगा तेरा रूम बना देंगा तेरी फ्लश बना देंगा तेरी गली बना देंगा पर अज जनता का इन्ना प्रैशर है मेरे ते कि देखा भावुक हो गए ने क्योंकि एक जो लीडर होंगे आदि जनता के नाल जुड़िया होंगे इमोशनली तरीके दे नाल पर थानू पुछया सीगा राणा सोढी ने कि भाई मैं बीजेपी च चला कोई गलबात हुई इस मामले हल्के की उन्होंने पुछया सीगा कि हल्के च की पोजिशन है तो मैं इन्नी पावर रखदा मैं इन्नी सूझबूझ रखदा कि मैं लोगों को फिर मोटीवेट करके ना जोड़ सकता सी ते असी सीट जित रहे सी मैं उन्होंने भरोसा दवाया उन्होंने हाथ से हाथ रख के क्या कहम मैं कहम हाँ जी क्योंकि मैं जनता को फेस कर सकता क्योंकि मैं किसी ना ठगी नहीं की मैं ठोरी नहीं की मैं नशा नहीं वेचिया मैं किसी ना गदारी नहीं की मैं लोगों से जा सकता मैं अजे भी कांग्रेस पार्टी का वधिया प्रचार कर सकता क्योंकि मैं लोगों फेस कर लिया मैं कोई घबराहट नहीं हैगी सो क्योंकि मैं सच्चा सुचा और मैं चौराहे दे विच कोठी पाई आपदी चार छड़कां पैंदियां भी कुल्ली पाई है राह च फकीरा तेरे भी आउंदा जांदा तकदा रही मैं लोगों को एड्रैस दिता आपदा हुण लोग मेरे घर आउंदे ने और मैं जवाब नहीं दे सकता भी उन्हां नूं मैं की कहां भी और हाई कमांड जे चाहुंदी है भी अज साडे गुरु साहिब दे जिहड़े लोग ने वह भी अपने आप को ठग्या महसूस कर रहे हैं तो जलालावां के लोग भी अपने आप को ठग्या महसूस कर रहे हैं और लोगों का जो प्रैशर है मेरे से लोगों का जो प्रैशर है वो मैं तुम दस नहीं सकता कि इन्नी औकड़ स्थिति हुई पी है जिवें हाई कमांड है हाई कमांड कल कुछ व्यापारी लोग आए वो कहते जी इलैक्शन तो मैं लड़ना है इलैक्शन टिकट तो सानू डिकलेयर हो सकी है जिवें कि आप रोज़ अरदास करते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला असी भला मंगते तो है पर सोचते नहीं एक दूजे का साढ़े समाज के नफरत इन्नी ज़्यादा है और सेम इस तरह पार्टियां की गल है कि कहिंदे ते हैगे ईमानदार साढ़े प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी कहिंदे ईमानदार कैंडीडेट चाहिए सानू लोगों का कैंडीडेट चाहिए तो मैं फिर 22 साल तो लोगों च काम किया हर चुल्हे तक मेरी पहुँच है हर परिवार के मैं पता किन्ने बच्चे ने बेटियां कितने बहियां बेटे कितने ब्याए उन्होंने पोतरिया का नाम की दोतरिया का नाम की मेरे मोबाइल के 11-12 हज़ार नंबर है लोगों का और फिर हाईकमांड क्यों नहीं सोचती इन्होंने गलों सो ये हाईकमांड में सोचना चाहिए जो लोगों का लीडर चाहना है मैं जवानी पुछ लो कि साढ़े 200 पिंड ने और किड़े पिंड कि किस गली की जरूरत है किस गली की नहीं जरूरत चप्पड़ कि पासे आ शमशान घाट कि पासे आ लोगों का दर्द में असं आपके पिंडे हंडाया और लोगों का दर्द मैं समझदा और पर मैं बेबस हो गया कि जो मैं लोगों का वादे किए थे उन्होंने मैं किमें किड़ा मूँह लैके मैं उन्होंने लोगों से जावा क्योंकि भाजपा जी साड़ी किसानों की दुश्मन पार्टी है और 700 किसानों की लाशों के उत्तों की लंघ के इस पार्टी का प्रचार करने वास्ते तो मर जाने बराबर है नहीं तो होर मेरे मेरी किताब च मेरी गर्दन लह सकती है पर मैं किसी का साथ नहीं छड़ सकता बिल्कुल वड्डी गल है कि किसानों की विरोधी भाजपा सरकार पूरी देश दे विच इसकी गल फैली हुई है पर राणा सोढी भाजपा दे विच गए ने पर उन्होंने सपोर्टर हले भी गुरु हर साहिब हल्के दे विच काम कर रहे हैं लोगों को जोड़न का काम कर रहे हैं तो वह तो बेचारे रो ही पे कि मेरे इलाके के लोगों को मैं जवाब की दूंगा तो शायद सच्चे लीडर की यही जी पहचान होंगी है कि अगर लोगों के नाल जुड़िया होंगे लोगों के उत्ते कोई जो प्रॉब्लम होंगी है तो उसके अखों से भी पानी आ जाते हैं ये तो कल दो जने हो गए दो जने हले होर भी बैठे है जो इको इलाके दावेदारी करते हैं कि सानू टिकट मिलनी चाहिए है तो दो जने के नाल गलबात कर ली है पर ग्रुप कहते चार जने आते तो चार एक दूसरे तो वक्रे नहीं है गुरु हर साहिब हल्के 20 सालों तो राणा गुरमीत सिंह सोढी MLA बनते आ रहे हैं तो यह उन्होंने सपोर्टर रहे ने इन्हों की सपोर्ट के नाल ही जी MLA की जी दावेदारी जी उन्हों की बनी पर अज वो BJP च पर यह हले भी कांग्रेस के ने जोगिंद्रपाल भाटा जी ये भी साढ़े मौजूद ने यह भी दावेदारी करते हैं कि मैनू भी टिकट मिलनी चाहिए है क्योंकि मैं भी पिछले काफ़ी समय तो कांग्रेस के नाल जुड़िया हुआ लोगों के नाल गलबात की है उन्ह दो जणिया भी आप बयान सुने ने है ना उन्हों का भी यही कहना मैं लोगों के लिए काम किया पर तो कोई वक्रा स्टैंड की है कि तुम वक्रा की किया कि उन्होंने दो वक्रा तो अपने आप को किमें मानते हो
जी मैं 2012 दे विच मनप्रीत बादल दे वल्लों मैं कैंडीडेट सीगा, उस तो बाद मैं 2014 दे विच जिला परिषद इलैक्शन लड़िया मनप्रीत बादल दे वल्लों, और मनप्रीत बादल दे वल्लों 2017 दे विच कांग्रेस पार्टी दे विच अपनी पार्टी असी मर्ज कर दित्ती, तो उस तो लैके असी फिर साढ़े हल्के तो राणा गुरमीत सिंह सोढी जी उन्होंने असी सपोर्टर रहे, उन्होंने जिताया और रहे मिनिस्टर रहे वह, तो असी उन्होंने डट के सपोर्ट की आ। और अज असी कांग्रेस हाईकमान को कहने कि जेकर जे वो बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं तो उन्होंने जो जगह खाली हुई है वो सानू टिकट नौजवानों को मिलनी चाहिए आ, और असी सारे नौजवान बैठे हाँ, साढ़े विचों किसी से भी एक ते भी हाथ कांग्रेस रखती है, असी सारे एकजुट हो के कांग्रेस का सारा वर्कर साढ़े नाल है, तो असी वो जी जित के जी सीट आ गुरु साहिब की वो कांग्रेस की चोली पावे। तुहानू की लगता कि हाले तक जिवें सीट खाली है, हाईकमांड किसनों अप्रोच कर रहा है, जो कोई नवा बंदा लियाने की कोशिश की जा रही है? नहीं देखो जी, इतने कोई नवा चेहरा लैके आएंगे तो इतों कांग्रेस हारेगी, तो साढ़े जोड़े साढ़े भाईचारे ने इन्हों के टिकट दी जाएगी तो वो कांग्रेस पार्टी की चोली पाएगी। ठीक है, कि जिहड़े हुण जदों बीजेपी च गए चले राणा, तो वर्करां दे नाल तुहाडी गलबात होई होनी है, उन्हां दा की कहना उत्थे? देखो जी, वर्करां च पूरा उत्साह है, कांग्रेस सरकार दोबारा आ रही है, सो कांग्रेस सरकार दा कांग्रेस दा जिन्ना भी केडर वह ज्यों दा त्यों ही खड़ा है। हाँ, गुरु हर साहिब तो कांग्रेस उम्मीदवार वधिया दिंदी आ, साढ़े दे विचों दिंदी आ, तो वह वधिया जित प्राप्त करेगी। ठीक है, तो इन्होंने भी अपनी गल रखी, तिने जणिआं नाल गलबात हो चुकी है, जिहड़े कह रहे हैं भी असी दावेदार हाँ गुरु हर साहिब दे विचों MLA दी सीट दे लई, पर ये हुण हाईकमांड दे उत्ते है, सारे ने अपना पक्ष रख दिता है, एक बेचारे तो रो भी पे क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा रोस सीगा सरकार दे खिलाफ सीगा, हाईकमांड दे खिलाफ सीगा कि मैनूं टिकट नहीं दित्ती। पर एक वक्री जी चीज़ असी तुहानूं पेश करन जा रहे हैं, MLA ने राम आवला जलालाबाद हल्के तो, वह भी कांग्रेस के ने, तो खबर आ रही ने कि वह भी गुरु हर साहिब हल्के तो जी चोण लड़ सकते, पर खबर ने गल्ला ने कहते जिन्ने मूँह होंगे उन्निया गल्ला होंदिया, पर गल्ला ते जो मोहर लगती है पता तो उदों लगता, पर राम आवला उन्होंने दोस्त ने ये, तो शुरू तो ही उन्होंने नाल रहे ने, दुख सुख के साथी रहे ने स्कूल दे विच कॉलेज दे विच, पर अज सुने कि उन्हां तो थोड़ा जिहा वक्ख चल रहे ने, पर कारण की है वक्त चलन का इन्नी गूढ़ी जी यारी है, तो यारी कहते छेती नहीं टुटती होंगी, पर यारी दे विच हल्का जा दरार लगता आई है, तो तीन जन दे नाल गलबात कर ली है, पर एक वक्री चीज़ असी तुहानू सांझी करन जा रहे हैं, रमिंदर आवला कांग्रेस पार्टी के MLA ने जलालाबाद हल्के तो, उन्होंने एक दोस्त ने साढ़े नाल मोनू नरूला जी, तो कहते हैं कि ये कट्ठे रहे ने बचपन तो स्कूल दे विच कॉलेज दे विच एक दूजे नाल बड़ी गूढ़ी यारी दोस्ती सीगी, पर अजकल थोड़ा जा शायद नाराज़ चल रहे ने, नाराज़ चलन की जिहड़ी आ वो रीज़न की है, कारण की अज असी वो पता करना है, क्योंकि इन्नी जिहड़ी गूढ़ी रिश्तेदारी एड्डी जा यारी है वो एड्डी छेती टुटदी नहीं हुंदी, पर थोड़े जे सवाल ने शायद उन्होंने मन दे विच, असी वो पता करने हैं कि कारण हो गया रमिंदर आवला दे ओपोजिट खड़ रहे हो, जा दरार पैदा हो गई है, जिहड़े सवाल लोग कर रहे ने, मैं नहीं कर रहे, लोगों के सवाल है, की कहना चाहोगे? नहीं, मेरे नाल देखो कोई दरार नहीं है, मेरे आज भी बहुत अच्छे मित्र ने, लेकिन वो जलालाबाद दे MLA है, गुरु हर साहिब दे नहीं है, मेरे को कोई ना ही कोई सांझ हुई है गल कि गुरु हर साहिब तो लड़ना है, ना ही कोई इनफॉर्मेशन है जी, ठीक है, ना ही मेरी कोई मेरी कल भी गल हुई है, उन्होंने मैंने कोई गल नहीं की कि मैं गुरु हर साहिब लड़ना, वो जलालाबाद तो ही लड़न गए, और तो विनिंग कैंडीडेट ने कि जलालाबाद दे तो ऐदा की कोई गल नहीं। अच्छा जी, आ जाते मान लो जो उन्हों का मन बन जाता है कि नहीं बई मैं लड़ना, जहाँ हाईकमांड कह दें है कि नहीं सा आवला साहब आप तुम गुरु हर साहिब आओ, फिर की करोगे? देखो मैं तो टिकट नहीं अपलाई की कोई, मैं क्लीयर कर दिया, जो हाईकमान का हुक्म होएगा वो सिर मत्थे है, जे वो आ जाते फिर सपोर्ट करोगे, जे तीन ते साथी इन्हों का सपोर्ट करोगे? देखो साथी भी मेरे बहुत नसीब संधु जी बहुत अच्छे भरा ने, इन्होंने गुरु हर साहिब बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, जो हाईकमान का हुक्म होएगा उस सिर मत्थे हो, कुछ लुकाने की कोशिश कर, कुछ कहना भी चाहते हो पर कितना कितने यारी रोक दी है वो गल, जो हाईकमान का हुक्म होएगा उस सिर मत्थे है जी, जो इन्हों का कहना कि जो हाईकमांड कहे पर कितना कितने कोई ना कुछ तो लगोरे ने, पर यारी दे यही चीज़ा होंदिया, जे कोई खफा हों तो गल्ला लुका लिया जा, पर चार जन की टीम जिन्होंने दावेदारी की है कि असी गुरु हर साहिब हल्के जित सकते हैं, जे कांग्रेस पार्टी कांग्रेस हाईकमांड साढ़े भरोसा करे, नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि सानू ईमानदार लीडर चाहिए तो असं ईमानदार आपके हल्के लोगों के लिए, पर देखना होगा कि
कि ये चारा दे विच्चों हुण किन्ना नूं टिकट मिलती है तो जिसनों भी टिकट मिलेगी सब तो वड्डी गल ये है ये अज तक नहीं होया कि चार जने दावेदार होण ते चार जने ये कह रहे होण कि असीं एक दूजे की सपोर्ट करांगे असीं एक दूजे के विरोध दे विच नहीं आवांगे ना गुस्से होवांगे ते पर देखना होगा कि हुण की हुंदा है चारा दे विच्चों क्योंकि सियासी का जिहड़ा अखाड़ा है सियासी अखाड़ा वो पूरा भखिया होया है सियासी चोणां नेड़े ने ते छेती जिहड़ियां उह उम्मीदवारां दीआं लिस्टां जारी हो जाणियां सारियां पार्टियां अपनियां अपनियां उम्मीदवारां दीआं लिस्टां भी जारी कर रही है ते हुण देखना होगा कि किहदी किस्मत जागदी है किहदी किस्मत दे झोली पैंदी है उह गुरु हरसाई हल्के की MLA टिकट ये देखने वाली गल होगी बाकी चोणां दे उत्ते इहो जिहियां दिलचस्प खबरां लैके असीं तुहाडे तक आउंदे रहांगे उन्ना चिर जुड़े रहना स्क्रोल पंजाब दे नाल मैं मनप्रीत औलख।